हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में व्यूअर्स। बात करेंगे आज यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के क्या है इन्फॉर्मेशन। हमने जो है कि 1076 पे स्कॉलरशिप ना मिलने की दशा में हमने एक शिकायत दर्ज कराया था, उस पर अधिकारी के द्वारा क्या जो है कि आख्या आज लगाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 में अन्य पिछड़ी जाति के दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में छात्र छात्रों द्वारा ऑनलाइन किए गए आवेदन पत्र का शासन देश NIC के स्तर से संबंधित विभागीय वेबसाइट से ऑनलाइन सत्यापन जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लखनऊ के लॉगिन पर उपलब्ध कराए गए शुद्ध डाटा पर जनपदीय दसमोत्तर छात्रवृत्ति स्वीकृत की समिति के निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्रवाई की गई है। व्यूअर्स ये बता रहे हैं कि जो छात्रवृत्ति के संबंध में रिपोर्ट लगाए हुए हैं आप देख सकते हैं, हमने आपको ऊपर पढ़ करके बताया। आप नीचे देख लेते हैं क्या है पूरा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिवृत्ति योजना में ऐसे छात्र छात्राओं जिनके आवेदन पत्र ऑनलाइन सत्यापन के दौरान NIC राज्य इकाई लखनऊ द्वारा पात्र पाए गए थे, जिन्हें जनपदीय दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिवृत्ति स्वीकृति से वेरीफाई किया जा चुका है। ऐसे समस्त छात्र छात्राएँ जिनकी विगत वर्ष में प्रतांक प्रतिशत 65 से अधिक था, तो इसमें बताया गया है कि जो विगत के छात्र थे जिनका जो है कि प्रतिशत 65 से अधिक था, अर्थात हम जो है कि BEd प्रथम वर्ष के छात्र थे, तो उसमें हमें बताया जा रहा है कि आपका ग्रेजुएशन में 65 से अधिक नहीं था, कुछ छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिवृत्ति की धनराशि निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के स्तर से बैंक खाते में प्रेषित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जिनका 65% से अधिक था उन छात्रों के खाते में आपका जो है स्कॉलरशिप की धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। शेष छात्र छात्राओं को बजट के अभाव के सीमित धनराशि होने के फलस्वरूप उन्हें छात्रवृत्ति और शुल्क आपूर्ति धनराशि प्रेषित नहीं की जा सकी है। तो बता रहे हैं कि बजट उपलब्ध ना होने के कारण और छात्रों को जो है कि स्कॉलरशिप की धनराशि नहीं भेजी जा चुकी है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिवृत्ति योजना में ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी छात्रवृत्ति आवेदन स्टेटस NIC राज्य इकाई लखनऊ के स्तर से ऑनलाइन सत्यापन के दौरान सस्पेक्ट पाए गए थे, साथ ही उन्हें निवारण हेतु कार्यालय पता इतने तक शिक्षण संस्थान को भेज दिया गया है। तो व्यूअर्स, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जिन छात्रों का 65% के प्लस मार्क था उन छात्रों को स्कॉलरशिप की धनराशि भेज दी गई है, और जिन छात्रों का 65 से कम था उन छात्रों को अभी जो बजट की उपलब्धता होने पर शासन के द्वारा उनको स्कॉलरशिप दी जा सकती है। तो व्यूअर्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, जो है कि स्कॉलरशिप संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।